वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वेज कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। त्योहारों का समय था, मीठा खा के अगर बोर हो गए तो स्नैक्स बनाते हैं। जिसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आलू लिया है। इसको हमने पहले ही बॉयल कर लिया था। तुरंत बॉयल किया हुआ आलू ना ले जैसे चिपचिपा बन जाता है, तो आप बनाने से कुछ देर पहले ही बॉयल करके रख ले तो बनाने में बहुत ही अच्छा होता है। साथ में मैंने कुछ सब्जियां भी ली है जिसमें गाजर है, बीन्स है, प्याज है और थोड़े से अदरक है और शिमला मिर्च भी हमने लिया है और धनिया पत्ता। सबको हमने बारीक काट लिया और गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। सब्जियों से भरा पूरा ये स्नैक्स है। साथ में मैंने मटर लिया है। अगर मार्केट में मिल रहा है तो आप फ्रेश मटर भी यूज कर सकते, नहीं तो फ्रोजन मटर। सभी को हम आलू में रख लेंगे। हरी मिर्ची मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अगर तीखा नहीं पसंद करते तो आप मत ले। सभी सब्जियां रख लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। बिना किसी झंझट के सभी सब्जियां को हम रख लेते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा बना रहे तो ज़्यादा नमक ले लीजिए। मैंने 250 ग्राम आलू लिया था और साथ में सब्जियां थी तो मैंने 1 चम्मच नमक लिया और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेते हैं। ध्यान रखिए, हरी मिर्ची लेते हैं तो लाल मिर्च पाउडर कम ले। 1 चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, साथ में मैं आधा लेमन का जूस निकालूंगी। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी आधा चम्मच ले सकते हैं। इसमें खट्टे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम सभी को मिक्स करेंगे। आलू को पहले मैश कर लीजिए, फिर सब्जियां सब मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैश करते हुए मिला लीजिए। बाइंडिंग के लिए मैंने कोई भी चीज यूज नहीं किया है, बस सब्जी और आलू है। अब इसको हम शेप देंगे। अवल शेप भी दे सकते हैं या आप ऐसे दबा के भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक शेप दे दिया है, जैसे सिलेंडर होता है उस तरह से मैंने अवल शेप दे दिया है। इस तरह से जब भी कोई सब्जी अगर थोड़ा सा ऊपर निकला है तो उसको आप उंगली से दबा दीजिए और एक प्लेट में रखते जाइए। और दूसरे तरीके से भी हम बना के आपको बता रहे हैं। ऐसे लेके लोई जैसे हम बनाते हैं वैसे राउंड शेप ले लेके इसको दबा दीजिए और इसको गोल गोल घुमा के हम इसको राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, दूसरा भी वेज कटलेट हमारा रेडी हो गया है। इसको हम प्लेट में रख देते हैं। बाकी जो बचे हुए सबको आप इसी तरह से बना लीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है और शेप देना भी बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसको हार्ट शेप में भी दे सकते हैं, जैसे मन है आप वैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही जल्दी देखिए इतने सारे बन के तैयार हो गए। मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं, कुछ इस तरह से बनाए हैं। अब हम एक कटोरी लेते हैं, इसमें हम 1 चम्मच मैदा लेंगे। हमें मैदा का एक पतला सा घोल तैयार करना है। पानी रखेंगे, एकदम पतला सा घोल चाहिए, जैसे इस जो हमने वेज कटलेट बनाया उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ जाए। तो देखिए एकदम पतला सा मैंने घोल तैयार किया। साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स भी बनाना बहुत ही आसान है। आप तवे पर ब्रेड को सेक के ग्राइंड कर लीजिए तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। मैंने इसको पहले बना के रखा था। अब इसको हम मैदे में डिप करके इसमें रोल करेंगे। देखिए इससे बहुत ही अच्छा से वेज कटलेट क्रंची बनता है और तेल भी ऑब्जर्व नहीं करता है। एकदम पतली सी लेयर मैदा का बन रहा है और साथ में ब्रेड के ऊपर से लेयर चढ़ जा रही है। इस तरह से बाकी जो बचे हुए सबको हम इसी तरह से डिप करके सारा निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये भी तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई से ये बहुत ही अच्छा लगता है। एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है। जब भी आप वेज कटलेट फ्राई करें आप ध्यान रखिए तेल एकदम गर्म होना चाहिए, नहीं तो वो तेल में जाके बिखर जाएंगे, चारों तरफ से फैल जाता है तो वो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से आप रखते जाइए जितना आप रख सकते हैं कढ़ाई में एक बार में। उसको गोल गोल घुमाते हुए हमें चारों तरफ से ब्राउन कर लेना है। बहुत ही जल्दी ये पक जाता है क्योंकि हाई फ्लेम रहता है। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी हो गया है। इस तरह से सारे जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, हाई फ्लेम रहता है। बाद में आप कम कर दीजिए, जो ब्राउन हो गए उसको हम निकाल लेते हैं। बाकी धीमी आंच कर दे तो धीरे धीरे भी पकता रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप रखने जाए तो एकदम हाई फ्लेम होना चाहिए। सब्जी पकने में टाइम नहीं लगता। आलू तो बॉयल किया ही था, तो ये नहीं है कि हमें पकाना है वो कच्चा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं दूसरी बार भी आपको बता रही हूँ, एकदम तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बहुत ही जल्दी ये ब्राउन भी हो जाता है।
थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है कि आपको वेट करना पड़ेगा या ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप रखते जाइए और तुरंत ही ये ब्राउन हो जाता है, आप निकाल लीजिए। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया लाजवाब वेज कटलेट। आप इसे जरूर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है ये वेज कटलेट तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।